गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम क्या बात कर रहे थे? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में, कि सबसे पहले जायगोट बना था, किसके द्वारा? स्पर्म और एग के फ्यूजन से। उसके बाद बना एम्ब्रियो, अ मास ऑफ सेल। उसके बाद क्या हुआ? इन सेल्स ने अपना फंक्शन लिया, ऑर्गन बनाना शुरू किया, बेबी के ऑर्गन्स हाथ पांव बनाने शुरू किए, तो क्या बना? फीटस स्टेज आई। फिर जब तक फीटस है, मतलब 8th वीक से लेके टिल बर्थ, जब तक बेबी का बर्थ होता है, जब तक वो मदर बॉडी के अंदर है, 8th वीक से लेकर प्रेगनेंसी के और टिल बर्थ तक हम बोलते हैं फीटस। जैसे ही फीटस का बर्थ होगा, वो बाहर आएगा, तब क्या बोलेंगे उसे? बेबी बोलेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है? डिफरेंस बिटवीन जायगोट, एम्ब्रियो, फीटस। जायगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, स्पर्म एंड एग। जायगोट कब बनता है? स्पर्म और एग के फ्यूजन से, मिलने से। स्पर्म एग क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स। उसके बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ अ जायगोट। एम्ब्रियो कब बनता है? जब सिंगल सेल जायगोट के अंदर बार बार डिवीजन होंगे, तब क्या बनेगा? मास ऑफ सेल बनेगा, एक बॉल ऑफ सेल बनेगा, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो। उसके बाद है फीटस, अ फीटस इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। फीटस कब बनता है? जब ग्रोथ और डेवलपमेंट हो एम्ब्रियो के अंदर, यानी कि सारे सेल्स के अंदर ग्रोथ होगी, सेल्स बड़े होंगे, डेवलपमेंट होगी, सेल्स फंक्शन लेंगे, बेबी की ऑर्गन्स बनाएंगे, उस स्टेज को बोलेंगे फीटस। अ जायगोट इज द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी। जायगोट क्या है? बेबी के बनने की शुरुआत है। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इज एन इनबोर्न बेबी। अभी तक बेबी बोर्न नहीं हुआ, अनबोर्न बेबी है, इन द यूट्रस, इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है? अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, लगभग 8 वीक तक बोलते हैं हम एम्ब्रियो। उसके बाद अ फीटस इज एन अनबोर्न बेबी इन द यूट्रस इन द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि 8 वीक के बाद और बर्थ तक बोलेंगे फीटस। उसके बाद है जायगोट इज अ सिंगल सेल। जायगोट का सिंगल सेल होता है, इट इज स्मॉलर देन अ फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप से बहुत छोटा होता है। इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो इज मल्टी सेलुलर। ये कैसा है? इसका बहुत सारे सेल्स के पास है। ये सिंगल सेल था, एम्ब्रियो क्या है? बहुत सारे सेल्स वाला होता है, इनकी मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मैनी। द बॉडी फीचर्स ऑफ ग्रोइंग बेबी इन द एम्ब्रियो आर नॉट मच डेवलप। एम्ब्रियो स्टेज में बेबी के ऑर्गन्स, बेबी के बॉडी के फीचर्स बनने शुरू नहीं हुए हैं अभी तक। ये कब शुरू होंगे? फीटस स्टेज के अंदर। अ फीटस इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर। द बॉडी फीचर्स ऑफ डेवलपिंग बेबी, हैंड्स, लेग्स, हेड्स, आईज एंड ईयर्स, ये सब क्या है? कैन बी आइडेंटिफाइड। कि बेबी के ये ऑर्गन्स कहाँ कहाँ बनेंगे, हम ये बात पहचान सकते हैं। किस स्टेज के अंदर? फीटस स्टेज के अंदर। अब क्या पढ़ना हमें? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो वर्ड किसके लिए आता है? इन विट्रो वर्ड अब आता है लैब कंडीशन के लिए, यानी कि बॉडी के बाहर, जब बॉडी के बाहर कंडीशन प्रोवाइड की जाए, उसे बोलते हैं लैब कंडीशन। लैब कंडीशन में कुछ काम करते हैं, उसे बोल देंगे इन विट्रो, लैब के अंदर काम करने को। इन अ हेल्दी वूमन द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा था? ओविडक्ट के अंदर। द ओविडक्ट ऑफ सम वुमन आर ब्लॉक्ड ड्यू टू सम रीजन। कई बार क्या होता है, कुछ फीमेल्स के अंदर ये जो ओविडक्ट थी, फिलोपियन ट्यूब थी, ये किसी वजह से बंद हो जाती है, ये वाली ट्यूब। तो क्या होगा? यहां से एग तो बनेगा, यहां स्पर्म भी एंटर करेगा, लेकिन ये कभी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ट्यूब क्या है? ये ट्यूब ब्लॉक है, ये ट्यूब बंद है आगे से। ओविडक्ट जो है ये बंद है किसी वजह से। तो क्या होगा? एग और स्पर्म को मिल नहीं पाएंगे, यानी कि ऐसी वुमन जिसकी फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, वो कभी भी बेबी को बर्थ नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसके अंदर एग और स्पर्म मिले ही नहीं, जायगोट ही नहीं बना, तो आगे बेबी कैसे बनेगा? सच वुमन कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज इन द नॉर्मल वे बिकॉज द एग रिलीज बाय द ओवरी कैन नॉट मीट द स्पर्म एंड गेट फर्टिलाइज इन द ओविडक्ट। यानी कि स्पर्म और जो एग है कोई मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां पर ओविडक्ट क्या है? बंद है। सच वुमन हु कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज आर कॉल्ड स्टीराइल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टीराइल। ये क्या होता है? वो वुमन जो कभी भी अपने बेबी प्रोड्यूस ना कर सके, उन्हें हम बोलते हैं स्टेराइल वुमन। ठीक है, उसके बाद है इवन स्टेराइल वुमन कैन हैव बेबीज बाय यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। यानी कि एक टेक्निक है जिसके द्वारा ऐसी वुमन जिसकी फलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, वो भी बेबी को जन्म दे सकती है। कैसे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स इन ग्लास फर्टिलाइजेशन, यानी कि किसी ग्लास के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाना। यानी मान लो आपके पास लैब में क्या होता है, ट्यूब होती है, ऐसी कांच की ऐसी ट्यूब होती है, उनके अंदर क्या करेंगे? उनके अंदर स्पर्म और एग लाके उनको फर्टिलाइज करवा देंगे। इसको बोलते हैं इन ग्लास फर्टिलाइजेशन या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किसी ग्लास ट्यूब के अंदर क्या करवाना? टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं लैब के अंदर। टेस्ट ट्यूब किसकी बनी? ग्लास की बनी होती है, तो बोलते हैं इन ग्लास फर्टिलाइजेशन। दिस इज बिकॉज इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद स्पर्म इज कैरिड आउट इन अ ग्लास डिश और ग्लास ट्यूब। कांच की बनी ट्यूब है ये,
इसके अंदर क्या करेंगे, स्पर्म और एग को फर्टिलाइज करवाएंगे रैदर देन इन द बॉडी ऑफ वुमन, क्योंकि बॉडी वुमन की बॉडी में एग और स्पर्म मिल नहीं पा रहे हैं, तो वुमन की बॉडी से लेंगे एग और मेल की बॉडी से ले लेंगे स्पर्म, दोनों को ट्यूब में डाल के फर्टिलाइज करवा देंगे, मिलवा देंगे उनको। दिस इज कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। अब क्योंकि ये सब प्रोसेस हो रहा है कहां पर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, जायगोट कहां बन रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसे बोलते हैं जो भी बेबी बनेगा इस जायगोट से उसे बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इन विट्रो आईवीएफ इन शॉर्ट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईवीएफ। तो जहां भी आगे आईवीएफ लिखा रहेगा आप क्या समझोगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक हेल्प द वुमन विद ब्लॉक्ड ओविडक्ट इन हैविंग बेबीज एज फॉलो, यानी कि ये किस लिए टेक्निक किस लिए होती है, उन वुमन को हेल्प करने के लिए जिनकी ओविडक्ट जो है, फ्लोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक है, तो वो भी क्या कर सके, बेबी प्रोड्यूस कर सके, उसमें हेल्प करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कैसे कैसे, द एग आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओवरी ऑफ वुमन बाय लेप्रोस्कोपी, ये टेक्निक है जिसके द्वारा व्यूमन की बॉडी से क्या लिया जाएगा, एग लिया जाएगा। कैसे, इन दिस ऑपरेशन अ स्मॉल कट इज मेड इन द साइड ऑफ वुमन्स एब्डोमन, वुमन्स के एब्डोमन के साइड में क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे एंड एन ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब इज इंसर्टेड इन टू अर बेबी, उसकी बॉडी में क्या डालेंगे, एक ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब डालेंगे जो क्या करेगी, सो दैट द डॉक्टर कैन सी इन द ओवरी एंड टेक आउट द टीनी एग्स। ऑपरेशन क्यों किया, कट क्यों लगाया, ताकि फीमेल की ओवरी दिख सके, ओवरी दिखने वाले क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब की हेल्प से क्या लेके आएंगे, उस अंदर से एग निकाल लेंगे। ठीक है, द व्यूमन्स हस्बैंड प्रोवाइड द स्पर्म, व्यूमन के हस्बैंड क्या करेगा, स्पर्म प्रोवाइड करवाएगा, स्पर्म अपने स्पर्म देगा, किसकी हेल्प से, इन द फॉर्म ऑफ सीमन। सीमन क्या था, ये वो फ्लूड जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पर्म होते हैं, तो वुमन का हस्बैंड जो है, जो मेल होगा वो क्या करेगा, अपना सीमन देगा जिसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे स्पर्म्स होंगे। द स्पर्म आर मिक्स्ड विद एग इन अ ग्लास डिश और ग्लास ट्यूब टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन, फिर ग्लास, ये एग भी कहां पर आगे बाहर और स्पर्म भी कहां आगे बाहर, तो क्या करेंगे, दोनों को लेके टेस्ट ट्यूब में डाल के क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू एम्ब्रियो, अब जो फर्टिलाइज्ड एग बना था, मतलब कि फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, जायगोट होता है, इसका सेकंड नाम था फर्टिलाइज्ड एग, ये कैसे बना, जब एग और स्पर्म आपस में मिले टेस्ट ट्यूब के अंदर, जायगोट बन गया, फिर जायगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। ठीक है, द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू एम्ब्रियोज आफ्टर अबाउट अ वीक, लगभग एक वीक के बाद वन और मोर एम्ब्रियोज आर प्लेस्ड इन व्यूमन्स यूट्रस। एम्ब्रियो स्टेज कहां तक बनी, ग्लास ट्यूब के अंदर, जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर क्या होगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद क्या होगा, उस एम्ब्रियो को निकाल के, दो तीन एम्ब्रियो निकाल के कहां डाले जाएंगे, व्यूमन की यूट्रस के अंदर, व्यूमन के वोम्ब में, गर्भ में डाले जाएंगे, कौन, एम्ब्रियो स्टेज, दो तीन एम्ब्रियो डाल देंगे। इफ द एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस सक्सेसफुली देन नॉर्मल प्रेगनेंसी अकर एंड अ बेबी इज बोर्न अबाउट आफ्टर अबाउट 9 मंथ, यानी कि जायगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहां पर हुई, टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद जो प्रोसेस है वो कहां पर होगा, नॉर्मली जैसे पहले हो रहा था मदर की यूट्रस के अंदर। इस एम्ब्रियो स्टेज में से दो तीन, एक से ज्यादा एम्ब्रियो लेके कहां डालेंगे, मदर की यूट्रस में इम्प्लांट करवा देंगे, मदर की यूट्रस में डाल देंगे। उसके बाद अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गए मदर की यूट्रस के अंदर, हमने क्या कहा, जस्ट एम्ब्रियो डाला है मदर बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर, लेकिन अगर इम्प्लांट हो गया तो क्या होगा, इफ द एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड, अगर वो मदर की यूट्रस से इम्प्लांट, मतलब कि इजिली अटैच हो जाए यूट्रस से, क्या लेने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो क्या होगा, देन नॉर्मल प्रेगनेंसी अकर एंड अ बेबी इज बोर्न आफ्टर अबाउट 9 मंथ, 9 मंथ के बाद क्या होगी, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, बेबी का बर्थ होगा। ठीक है, तो ये क्या थी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक इज यूज टू हेल्प दोज कपल्स इन हैविंग बेबीज हु कैन प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग बट फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस, यानी कि वो कपल जिनके अंदर एग और स्पर्म तो बन रहे हैं लेकिन उनके अंदर फ्यूजन नहीं हो रहा, एग स्पर्म मिल नहीं पा रहे क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब बंद है, तो ऐसे कपल्स में नॉर्मल प्रेगनेंसी कराने में कौन हेल्प कर रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ टेक्निक वॉज इनिशियली डेवलप बाय कैरिंग आउट द रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स, काउज बफेलोज इनके अंदर पहले हुई थी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। द टेक्निक वॉज यूज सक्सेसफुली फॉर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इन 1978 के अंदर क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा के देखी गई। अ लार्ज नंबर ऑफ बेबीज आर नाउ बोर्न, आजकल क्या है, बहुत सारे बेबीज कैसे बन रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से बन रहे हैं। सक्सेस रेट कितना इसका,
30-40%, इतना 30-40% बेबी क्या होते हैं अपने मदर से इम्प्लांट हो पाते हैं, यूट्रस के अटैच हो पाते हैं, तो इसकी सक्सेसफुल रेट कितनी है 30-40%। द बेबी इज बोर्न थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। जो बेबीज बनते हैं इस टेक्निक से उनको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एग और स्पर्म को मिला के क्या बनाया जा रहा है, जायगोट, और टेस्ट ट्यूब में जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। उसके बाद एम्ब्रियो को टेस्ट ट्यूब निकाल के कहां डाला जाएगा, यूट्रस में। जायगोट से एम्ब्रियो कहां बना, इसके अंदर ही बनता है, और एम्ब्रियो स्टेज से निकाल के कहां डाला जाएगा, मदर की यूट्रस के अंदर, ताकि वो नॉर्मली इम्प्लांट हो सके। तो ऐसे बेबीज को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज, जो इस टेक्निक से बनते हैं, बिकॉज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ग्लास्टिस और ग्लास टेस्ट ट्यूब। दिस इज हाउएवर अ मिसनोमर, ये रॉन्ग नेम है, टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलना इन बेबीज को रॉन्ग नेम है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, लगभग शुरुआत के एक दो वीक तक ही ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, मतलब एक वीक तक क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब में डेवलपमेंट हुई। उसके बाद की डेवलपमेंट कहां पर हो रही है, मदर की यूट्रस के अंदर, जो नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इनको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए, सिर्फ एक वीक के लिए टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ हो रही है, उसके बाद की ग्रोथ कहां पर होती है, मदर की यूट्रस के अंदर। तो ये नाम बोलना इनको थोड़ा सा गलत है, बिकॉज एक्सेप्ट वेरी फ्यू ब्रीफ पीरियड, ब्रीफ मतलब छोटा पीरियड ऑफ अबाउट 1 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड वेरी अर्ली डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट द एंटायर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इनसाइड द यूट्रस। बाकी सारी ग्रोथ कहां पर होती है, मदर की यूट्रस के अंदर, जैसे कि किसके अंदर होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलना थोड़ा सा कहीं गलत है, थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो इसके अंदर क्या हुआ, जायगोट बना किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। जायगोट से एम्ब्रियो लगभग एक वीक में डेवलप करा दिया जाएगा, क्योंकि लैब कंडीशन क्या होती है, लैब कंडीशन ढंग से प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो एक वीक में क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएंगे। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो कहां डाले जाएंगे, मदर बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर, क्योंकि मदर बॉडी का यूट्रस नॉर्मल है, सिर्फ क्या है, फलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, ठीक है। तो यूट्रस में डाला जाएगा उसको, कहां पर, एम्ब्रियो स्टेज के अंदर। तो अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, अगर एम्ब्रियो मदर बॉडी से अटैच हो गया, तो क्या होगी, एक नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, और 9 मंथ के बाद बेबी बर्थ लेगा, ठीक है। तो ये था आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।